मेरे साथ बैठकर भक्त भी रोया एक दिन, बोला कि बंदा तू ठीक है, मैं ही खराब चल रहा हूँ। सो आपका वीडियो बैकग्राउंड किस तरफ से सेंस कर सकते एंड अच्छा तरीके से वीडियो बना सकते, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे एंड टिकी ऐप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा इस वीडियो चल रहे, तो आप किस तरफ से बना सकते। तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कैपकट। सो कैपकट कहाँ से डाउनलोड करेगा, मेरा वीडियो जो वीडियो है वो वीडियो पर आई बटन पर दिया हुआ है, उधर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो आपको कैपकट ओपन करना पड़ेगा। सो कैपकट ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना। सो प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको पहले जो इमेज है मतलब फोटो है वो सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जा रहा हूँ, जाने के बाद यहाँ पर इज वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो देख लीजिए ऐड हो गया, मतलब मेरा वीडियो पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो वाटरमार्क है कैपकट का, जो वाटरमार्क वो किस तरफ से हटा सकती है। सो यहाँ पर देख लीजिए डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सो डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका वीडियो लॉन्ग करना पड़ेगा मतलब। सो देख लीजिए मेरा वीडियो लॉन्ग भी हो गया। सो यहाँ पर वो वीडियो किस तरफ से ऐड कर सकते हैं, तो आपको इस लेयर ऐड लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए ईज वाले ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना। सो प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको वही वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो ईजली वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। सो देख लीजिए मैं जूम कर लिया। सो जूम करने के बाद मेरा वीडियो जो ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर ऊपर का लेयर पर क्लिक कीजिए। ऊपर का लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईजली ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईजली ऑप्शन लास्ट लेयर पर क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए मेरे वीडियो सही तरीके से हो गया। आप लोग अभी क्या करना पड़ेगा, सो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर लास्ट जो नीचे का लेयर है वो लेयर पर क्लिक कर देना। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमूव वाले ऑप्शन, तो रिमूव वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। सो देख लीजिए मेरा वीडियो रिमूव हो गया, तो आप लोग को इस तरफ से रिमूव कर सकते, तो इस वीडियो आप लोग सेव कर सकते किस तरफ से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो क्वालिटी कितना रखना चाहती है तो आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। एंड आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। सो एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा रुक कीजिए, तो एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पर डोंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। सो आपका